हेलो एवरीवन, वी आर रीडिंग क्लास 9th चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। दिस इज़ अ स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद एंड इट इज़ अ फैसिनेटिंग स्टोरी अबाउट अ चाइल्ड टेकन टू द फेयर बाय हिज पेरेंट्स एंड देन ही वाज लॉस्ट। ही वाज सुपर एक्साइटेड एंड ओवरजॉयड। ही वाज अट्रैक्टेड टू एवरी अदर थिंग ही वॉच्ड। ही वॉन्टेड टू हैव टॉयज, बर्फी, बलून्स एंड एक्सेट्रा, बट हिज फादर डिक्लाइंड फॉर एवरीथिंग ही रिक्वेस्टेड फॉर। At last, he requested his father for a roundabout swing, but did not get a reply. Later, he realized that he was lost. He was scared and cried continuously. A stranger found him and asked for his parents, but he, instead of replying, he started crying. The child was sobbing, and then the man asked the child for a roundabout swing, balloons, snack charm, and everything he was fascinated about. But he refused and said that he just want his parents and nothing else. In the story, the child kept asking questions about the things he saw in the fair, but never waited for a reply. This story reflects the bond and affection between a child and their parents. The main theme of The Lost Child is a child's requirement for their parents' love and affections. So let's get started. The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा जो है वो अपने parents के साथ, अपने माता पिता के साथ fair में जाता है, मेला देखने जाता है। He's happy and excited. वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा excited होता है and wants the sweet and toys displayed there. और जो वहाँ पर लगी हुई होती है display, मतलब वहाँ पर जो लगी हुई होती हैं sweets, मिठाइयाँ और toys मतलब खिलौने, तो वो चाहता है कि उनको लेना। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके जो माता पिता हैं वो उसके लिए खरीद के नहीं देते वो चीज़ें। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। यहाँ पे जो लाइन है समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, ये लाइन लास्ट में आती है जब जो बच्चा है वो गुम हो जाता है, तो कोई जो और इंसान है जो उसको मिलता है बच्चे को, तो वो जब पूछता है उससे उस सारी चीज़ों के बारे में, तो वो क्यों मना कर देता है उस चीज़ के लिए, हम स्टोरी में पढ़ेंगे। इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग होता है बसंत ऋतु, तो जो विंटर के बाद जब बसंत ऋतु आता है तो उसका फेस्टिवल त्यौहार होता है। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नेरो लेन्स एंड एले इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पे अगर हम लोग वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो इसका मीनिंग कुछ और निकल जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बाद में बता दूँ। पहले मैं आपको नैरो होता है संकरा, और एलीज होता है मतलब बहुत ज़्यादा, एली होता है गली, जो पगडंडी होता है उसको कहते हैं। गेली होता है अट्रैक्टिव, किसी भी चीज़ के लिए अट्रैक्टिव वे से, और क्लैड होता है लिपटा हुआ, और ह्यूमैनिटी होता है मानवता। तो यहाँ पे अगर इस, लेकिन इस लाइन का जो मीनिंग है वो निकल रहा है कि लोग जो है ना वो अपनी सुनी गलियों से निकल कर कोई फेस्टिवल मनाने के लिए जा रहे थे, और बहुत ज़्यादा वो खुश दिखाई दे रहे थे। सम वॉकड, कुछ चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ अपने घोड़ों से जा रहे थे, घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। आज सेट, कुछ बैठे हुए थे। बींग कैरिड इन बैम्बो, यहाँ पे बैम्बू है, जो जैसे बैम्बू से बनी हुई डोली होती है ना, जो पहले दुल्हन को ले जाने के लिए यूज़ होती थी, उसमें बैठे हुए थे। एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग जो बैलगाड़ी से जा रहे थे। वन लिटल बॉय ट्रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफर। ब्रिमिंग होता है भरा हुआ, लबालब, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो अपनी ज़िंदगी से और मतलब खुशी से पूरा भरा हुआ था, और अपने पापा के पैरों के बीच में से भाग रहा था वो। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, के माता पिता बोलते हैं आओ बच्चे आओ। ही एज ही लैग बिहाइंड, जैसे वे लैग बिहाइंड होते हैं पीछे छूट जाना, लैग मतलब पीछे रह जाना, जो वो पीछे रह जाता है बार बार क्योंकि वो चीज़ों को देख के उनसे अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए वो बार बार पीछे छूट जाते हैं। उसके पेरेंट्स बोलते हैं उसको आ जाओ बच्चे जल्दी आ जाओ। फैसिनेट होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट होना किसी चीज़ पर, आकर्षित होना। बाय द टॉयज इन द शॉप, टॉयज़ मतलब खिलौनों से जो शॉप दुकानों उनमें लगी हुई हैं, दैट लाइन द वे, जो वहाँ पर रास्ते में लगी हुई हैं शॉप्स की लाइन्स। ही हरिड टुवर्ड हिज पेरेंट्स फुट, हरिड मतलब जल्दी से, वो अपने जल्दी से अपने पेरेंट्स के तरफ भाग के जाता है। हिज फिट ऑबिडेंट टू देयर कॉल, ऑबिडेंट मतलब उसकी जो फिट मतलब उसके जो पैर हैं वो उनके उनको जो बुला रहे हैं उसके माता पिता, तो वो उस अपने जो माता पिता को ओबे कर रहा है, उनकी आज्ञा मान रहा है। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, रिसीडिंग होता है पीछे छूटते हुए, पीछे छूटते हुए उसके जो टॉयज खिलौने थे उसकी आँखें अभी भी वहीं पर टिकी हुई थी। लिंगरिंग मतलब ठहरना। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जब वो वहाँ पर आया जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसके लिए स्टॉप रुके हुए थे, उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर, सप्रेस वो उस जो डिज़ायर होती है ना अपनी, उसकी जो डिज़ायर थी, उसकी जो इच्छा थी, उसको सप्रेस नहीं कर पाया। सप्रेस करना मतलब रोकना, उसको रोक नहीं पाया। ऑफ हिज हर्ट अपने दिल से, इवन दो ही वेल न्यू
द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज. जबकि वो जानता था कि उसके जो पिताजी हैं उसके जो पेरेंट्स हैं वो मना कर देंगे. स्टेयर होता है घूरना, ठीक है, ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब मनाही का, कि वो जानता था कि उसके पिताजी मना कर देंगे. स्टिल वो अपनी जो इच्छा है उसको रोक नहीं पाया और उनको बोल देता है कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. उसने रिक्वेस्ट की, प्लीड किया कि मुझे ना ये टॉय चाहिए. हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइड. रेड आइड मतलब गुस्से से. उसके जो पिताजी हैं उसको गुस्से से देखते हैं. इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे. टायरेंट होता है जो अपना एक क्रूर व्यक्ति होता है जो बहुत ही गुस्से में रहता है, उस तरीके से उसने, डेस्पॉट जिसको बोलते हैं हम, उस तरीके से उन्होंने देखा. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे. जो दिन था वो बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा मौसम था और इसलिए उसकी माँ जो थी वो एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड वुमेन है. एंड ही वो एंड डे टेंडर. टेंडर मतलब जो नरम, जो दिन की से नरम हो चुकी थी. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड. और वो अपनी फिंगर जो है, उंगली जो देती है बच्चे को पकड़ने के लिए. लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर. देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. फ्लावरिंग मतलब फूल से भरा हुआ. मस्टर्ड होता है सरसों का फील्ड, खेत. वहाँ पे क्या था, एक सरसों का भरा हुआ खेत था. पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड. मेल्टेड गोल्ड, गोल्ड होता है सोना, और मेल्टेड मतलब पिघला हुआ. जैसे पिघला हुआ सोना होता है ना, उसकी तरह से पील था, मतलब पीला हो गया था. एज इट स्वेप्ट, स्वेप्ट मतलब स्वेट अक्रॉस माइल्स. जैसे वो पिघल कर बहुत मीलों तक चला गया है. एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. और पूरे जो लैंड है, पूरी धरती है, उस पर पिघल कर चला गया. इतना पूरा येलो येलो मस्टर्ड फील्ड था. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स. ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज होती हैं एक तरह की पतंग, उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई. उनका एक ग्रुप, उनका एक समूह जो था वो क्या कर रहा था, बस्टिंग. बस्टिंग मतलब हलचल करना. ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स. गॉडी होते हैं भड़कीले, जो फ्लैशी होते हैं उसको कहते हैं. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई. इंटरसेप्टिंग मतलब काटता हुआ. द फ्लाइट, उड़ान को, किसकी, एक लोन. लोन होता है अकेला. ब्लैक बी, एक अकेली काली रंग की जो मधुमक्खी है उसकी फ्लाइट. और बटरफ्लाई, इन सर्च ऑफ द स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स. स्वीटनेस होता है, आपको पता है जो बटरफ्लाइज होती हैं वो जो फ्लावर्स होते हैं उनको सक करती हैं, उनको चूसती हैं. तो उसकी स्वीटनेस को, उसकी जो मीठेपन को तो ढूंढ रही थी वो किसी फ्लावर में, किसी फूल में. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज. जो बच्चा है वो गेज होता है घूरना, ठीक है, घूर रहा था उस चीज़ को, देख रहा था, एक टक उसको फॉलो कर रहा था, मतलब अपनी नज़रों से उसको फॉलो कर रहा था. टिल वन ऑफ देम फाउंड वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट. जबकि उसको एक मिल जाती है, ठीक है, इट्स विंग, उसके विंग्स जो होते हैं उसके जो पंख होती हैं उसको पकड़ लेता है. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. और वो उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता है. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर. लेकिन वो उड़ती हुई फ्लटरिंग होता है फड़फड़ाना, लहराना, ठीक है, और फ्लैपिंग होता है उत्तेजना से, ठीक है. वो मतलब फ्लाई करके उड़ के चली जाती है अप इन द एयर, बहुत ज़्यादा ऊपर. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड. जब वो ऑलमोस्ट मतलब लगभग पकड़ लेता उसको अपने हाथ में. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल. कॉशनरी मतलब चेतावनी भरी, ठीक है, सावधानी भरी. उसको एक पुकारती है सावधानी से, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ. आ जाओ बच्चे फुटपाथ पे, आ जाओ फुटपाथ मतलब जो रास्ता है, पगडंडी है, वहाँ पर आ जाओ. ही रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल. अब जो उसका जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के तरफ को फॉलो करता है, उनकी तरफ दौड़ता है. गेली मतलब आकर्षित ढंग से, बहुत ही खुशी से, बहुत ही खुश है और वो उनकी तरफ जाता है. एब्रेस्ट होता है उनके साथ साथ. फॉर अ वाइल, कुछ देर तक. बींग हाव एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर से वो उन पीछे रह जाता है. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स. जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको देखता है वो, और उनसे अट्रैक्ट आकर्षित होकर वो कुछ देर तक अपने पेरेंट्स के साथ चलते हैं, बाद में पीछे छूट जाता है. द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू इन्जॉय द सनशाइन. फुटपाथ पे जो वो वॉर्म्स हैं, कीड़े हैं, जो टीमिंग आउट तक बाहर निकल रहे हैं, वो अपने जो हाइडिंग, उनका जो हाइडिंग प्लेस है ना, उस छुपने की जगह है, उससे वो बाहर निकल रहे हैं. किसका आनंद लेने के लिए, सनशाइंस, जो सूरज की रोशनी है उसका आनंद लेने के लिए वो बाहर निकल रहे हैं. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सेटल्ड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ फॉल. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे, वो उसको बुलाते हैं
कौन बुलाते हैं? उसके पेरेंट्स बुलाते हैं. फ्रॉम द शेड, शेड होता है एक तरह से छाया. ऑफ अ ग्रूव वेयर द हेड, वेयर द ग्रूव होता है एक तरह का बाग या फिर झुरमुट, ठीक है, जहाँ पे वो बैठे हुए थे. सेटल देमसेल्फ, उनको उन्होंने अपने आपको वहाँ पे सेटल कर दिया था, वहाँ पे बैठा लिया था. ऑन द एज ऑफ ए वेल, एज मतलब किनारा, वेल होता है आपको पता है वेल कुआं होता है. ही रेन टुवर्ड देम, वो जल्दी से भागकर उनकी तरफ जाता है. अ शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, शावर शावर होता है एक तरह से बारिश, ठीक है, वो किसकी, फूलों की बारिश उसके ऊपर हो जाती है. एंड सी एंटर द ग्रुप, जैसे वो उस बाग में उस झुरमुट में प्रवेश करता है तो एक तरह से फूलों की बारिश उसके ऊपर हो जाती है. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, फॉरगेटिंग होता है भूल जाना, और वो अपने पेरेंट्स को माता पिता को कुछ पल के लिए भूल जाता है. ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, रेनिंग मतलब जो बारिश की बूंदें जैसे गिरती है ना, वैसे ही जो गिरती हुई जो पेटल्स, पेटल्स जो पत्तियाँ थी फूलों की, उनको वो बिगिन टू गैदर, उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है इन हिज हैंड अपने हाथ में. बट लो, लेकिन ही हर्ड द कुइंग ऑफ डॉव्स एंड रेन टूवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग, लेकिन वो क्या सुनता है, कुइंग, कुइंग मतलब गुरगुट की गुटरगु की जो आवाज़ होती है डॉव्स के द्वारा, कबूतर के द्वारा, उसको वो सुनता है और जल्दी से भागकर अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है, जो जिसको जिस जिनकी तरफ वो शाउट कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है. द डॉव डॉव, देखो कबूतर, कबूतर, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, अब जो है वो कबूतर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और जो उसके हाथ में जो पेटल्स जो पत्तियाँ थी ना उसको वो भूल जाता है, उसको वो गिरा देता है. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, देखे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया. हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, अब जो है वो जो बच्चा जो है वो कहाँ पर है, वो उछल कूद कर रहा है, मौज मस्ती करता है. वाइल्ड वाइल्ड कैपर का मतलब होता है उछल कूद करना, मस्ती करना, ठीक है, बनियान ट्री के पास. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग पाथ फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और वो उनके साथ जा रहा होता है अपने पेरेंट्स के साथ, जो नैरो संकरा वे है, वाइंडिंग फुटपाथ, वाइंडिंग होता है घुमावदार फुटपाथ, आपको पता है पगडंडी, विद लेड टू द फेयर, जो फेयर की तरफ जा रही है थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड सरसों के खेत से होकर. एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कवरिंग टू द वर्लपूल, जैसे ही वो विलेज के पास पहुँचते हैं, गाँव के पास पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि दे कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, वो बहुत सारे अलग अलग फुटपाथ्स हैं, पगडंडियाँ हैं, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स होता है भीड़ लगना, जिनमें भीड़ लगी हुई है बहुत सारी. कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द एयर, वर्लपूल होता है एक तरह से भंवर, एक तरह से घुमावदार रास्ता, वो फेयर में जो वर्लपूल होता है ना, एक तरह से पूरा घुमाव, मतलब जो सर्कल वे में लगा हुआ होता है उस तरह से कवर किया हुआ था उन भीड़ से उन लोगों ने. फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, रिपेल्ड होता है रोकना एक तरह से, और फैसिनेटेड मतलब आकर्षित, ही वो आकर्षित हो रहा था, और लेकिन वो एक कन्फ्यूजन, एक कन्फ्यूजिंग स्टेट था उसका, कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, किस तरीके से कि इस संसार में आ गया हूँ, कि यह इतना भीड़ भाड़ वाला है, इतना रस्टी है. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, स्वीट मीट मतलब जो मिठाई बेचता है, ठीक है, वो बोल रहा है हॉक्ड, हॉक्ड होता है जो फेरी लगाते हैं ना, जो लोग फेरी लगा के बेचते हैं सामान, वो कह रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एंड ऑल. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कॉर्नर मतलब कोने में, एंट्रेंस प्रवेश द्वार के, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, तो वहाँ पर क्या है, क्राउड मतलब भीड़ लगी हुई है. हिज काउंटर, उसके जो काउंटर पे, उसके जो फेरी लगाने वाले जो बेच रहा है, वहाँ पे पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है. आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर होता है किसी तरह से शिल्पकला, ठीक है, उसको कहते हैं, जो संरचना है उसकी, मैनी कलर मतलब बहुत सारे कलर्स की, बहुत सारे रंग बिरंगी स्वीट्स हैं उसके पास, मिठाइयाँ, डेकोरेटेड, उसको सजाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ, सजाया हुआ है विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड आपको पता है ना, जिसको बरक बोलते हैं, वो लगाई हुई थी, ठीक है, चांदी की और सोने की. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, उसने खुली आंखों से, एंड हिज माउथ वाटर, और उसकी जो मुंह में ना पानी आ गया था उन सब स्वीट्स को देखकर, तो वो स्टेयर कर रहा है, उस चीज़ को घूर रहा है. दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, बर्फी, उसकी सबसे अच्छी जो सबसे फेवरेट पसंदीदा स्वीट मिठाई कौन सी थी, बर्फी, और उसको वो स्टेयर कर रहा था, उसके मुँह में पानी आ गया था. ही वॉन्ट दैट बर्फी, उसको बर्फी चाहिए थी. ही स्लोली मर्मर्ड, मर्मर्ड होता है बुदबुदाना, बड़बड़ाना, उसने धीरे धीरे बुदबुदाया. बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो उसको जानता था, वो आधा जानता था, दैट ही बैग्ड द
that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. क्यों heeded होते ध्यान देना कि उसके जो रिक्वेस्ट है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि वो ग्रीडी है मतलब लालची है उसको हर चीज़ चाहिए. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए क्या किया उसने बिना कोई जवाब के वो आगे बढ़ गया. उसे पता था कि उसको कोई जवाब नहीं मिलने वाला इसलिए उसने क्या किया वो आगे बढ़ गया. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड. अब जो है एक फ्लावर सेलर मतलब एक फूल बेचने वाला हॉक उस वो फेरी लगा रहा था. उसने बोला अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. गुलमोहर की गार्लैंड मतलब माला. गुलमोहर एक तरह का फूल होता है उसकी माला जो थी अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. वो ऐसे आवाज़ लगा रहा था कि फूलों की माला ले लो फूलों की माला ले लो. द चाइल्ड सीम्स इरेसिस्टिबली ड्रॉन. जो बच्चा जो है वो क्या हुआ वो बहुत बुरी तरह से मतलब उसके आगे अट्रैक्ट हो गया था. ही वॉन्ट टूवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लॉर ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर. जहाँ पे वो कहाँ गया वो बास्केट के पास गया टोकरी के पास गया जहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए थे. एंड हाफ मर्मर और थोड़ा सा वो बुदबुदाया आधा बुदबुदाया. क्या कहा उसने आई वॉन्ट दैट गार्लैंड मुझे वो माला चाहिए. बट ही वैल्यू लेकिन वो अच्छे से जानता था हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़. उसके पेरेंट्स मना कर देंगे टू बाय हिम उसको वो खरीदने के लिए दोज फ्लावर्स वो फूल बिकॉज दे वुड से क्योंकि वो कहेंगे देवर चीप वो कल घटिया क्वालिटी के हैं. मतलब चीप ऐसे तो चीप का क्या मीनिंग होते हैं होता है सस्ता एक होता है घटिया क्वालिटी का. तो कहते हैं कि वो जो फ्लोर है वो घटिया क्वालिटी के हैं तुम्हारे लायक नहीं है इसलिए वो उस मना कर देंगे उसको लेने के लिए. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर सो उसने क्या किया बिना कोई आंसर के उसको पता था क्या आंसर मिलेगा ही मूव्ड ऑन वो आगे बढ़ गया. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येल्लो रेड. पोल होता है एक तरह से एक पोल वैसे तो होता है खम्बा लेकिन पोल यहाँ पे आएगा एक तरह की स्टिक बड़ी स्टिक जिसपे क्या था येलो कलर की पीले रंग की लाल रंग की ग्रीन कलर की पर्पल कलर की बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. वहाँ पे बहुत सारे कलर के उसने बलून्स थे बहुत सारे कलर के गुब्बारे लिए हुए थे. द चाइल्ड वो सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर. तो जो बच्चा जो है वो कैरिड अवे मतलब उस चीज़ की तरफ फैसिनेटेड हो गया अट्रैक्ट हो गया और वो वहाँ पे चला गया जो रेनबो कलर के फ्लावर्स बने हुए थे उनको देखने के लिए. वो ग्लोरी होता है खुशी से ठीक है. सिल्कन मतलब रेशम के जो कलर होते हैं नरम कलर होते हैं. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर. और ओवरवेलमिंग होता है बहुत बहुत ज़्यादा अत्यधिक बहुत ज़्यादा डिज़ायर उसकी इच्छा थी बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा थी पोसेस मतलब लेना उन चीज़ों को पोसेस मतलब रखने के लिए उन चीज़ पे किसी का अधिकार होता है ना उसको कहते हैं पोसेस. तो उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो उस गुब्बारे को ले लेकिन बट ही वेल न्यू लेकिन वो अच्छे से जानता था हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द दोज बलून्स. उसके पेरेंट्स जो है वो कभी भी उसके लिए वो बलून्स नहीं खरीदेंगे बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज. क्योंकि वो कहेंगे कि अब वो बड़ा हो चुका है और उसको इन बलून्स के साथ नहीं खेलना चाहिए. सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर इसलिए वो आगे बढ़ गया. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक. अब जो एक स्नेक चार्मर हम किसको कहेंगे जो सपेरे होते हैं उसको कहेंगे ठीक है. तो वो क्या कर रहा था फ्लूट बजा रहा था फ्लूट मतलब बांसुरी बजा रहा था टू ए स्नेक एक सांप की तरफ विच कोल्ड इट्सेल्फ इन अ बास्केट. कोल्ड होता है मतलब लपेटना जो कुंडली मार के बैठते हैं ना तो वह एक तो जो उनकी जो टोकरी होती है उसमें क्या कर रखा था वो गोलमोल होकर बैठा हुआ था. इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड. उसका जो हेड उसका जो सर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बेंड हुआ था झुका हुआ था लाइक द नेक ऑफ ए स्वान जैसे एक स्वान की नेक होती है ना उस तरीके से. वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल एयर. जबकि जो म्यूजिक है उसका जो संगीत है किसका संगीत बांसुरी का संगीत उसने क्या कर लिया था इट्स इनविजिबल एयर. इनविजिबल मतलब अदृश्य जो दिखाई नहीं दे. उसके जो कान थे किसके कान स्नेक के कान जो दिखाई नहीं देते तो उसमें ना उसकी जो आँख जो म्यूजिक है फ्लूट की वो उसको सुन रहा था गौर से. लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. रिपलिंग होता है छोटी लहर ठीक है जो वाटरफॉल में छोटी सी लहर आती है ना जो दिखाई नहीं देती उस तरीके से था. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. जो बच्चा है वो स्नेक चार्मर सपेरे के पास गया बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हेयर सच कॉर्स म्यूजिक. लेकिन उसने उसके पेरेंट्स ने नोविंग मतलब वो जानता था कि उसके पेरेंट्स ने फॉरबिडन मतलब मना किया हुआ है टू हेयर ऐसा सुनने के लिए कॉर्स म्यूजिक. कॉर्स मतलब वो होता है बेकार घटिया म्यूजिक ऐसा संगीत एज द स्नेक चार्मर प्लेड जो जो
सपेरा है वो बजा रहा था, ही प्रोसेस्ड फर्दर. प्रोसेस्ड फर्दर मतलब वो आगे बढ़ गया. प्रोसेस्ड मतलब आगे की कार्यवाही जो होता है उसको कहते हैं. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन द फुल स्विंग. स्विंग स्विंग होता है झूला, ठीक है. एक घुमावदार झूला था, वो बहुत बहुत ज़्यादा तेज चल रहा था. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन. जो बच्चे थे वुमेन थी, औरतें थी, और मैन थे, वो जो थे वर्लिंग मोशन. वर्लिंग मतलब घूमना, ठीक है. घूमने घूम रहे थे वो उसमें. श्रिक्ड चिल्ला रहे थे एंड क्राइड विद डिजी लाफर. और वो बहुत ज़्यादा डिजी, डिजी होते हैं बहुत ज़्यादा एक तरह से खुशी से, ठीक है. गिडी जिसको क्यों गिडी बोलते हैं, ठीक है. उस तरीके से वो क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे खुशी के मारे. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही, इंटेंटली मतलब उत्सुकतापूर्ण. जो बच्चा है उसको उत्सुक होकर देख रहा था. एंड ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. बहुत मतलब उसने एक पूरी तरह से अपनी जितनी भी ताकत थी उसमें उसने बोला कि आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट. मैं उस झूले में झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर कृपया करके मुझे उस झूले में जाने दीजिए. देयर वॉज नो रिप्लाई. वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं मिला. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. वो मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए. दे वर नॉट देयर. पर उसके पेरेंट्स वहाँ पर थे ही नहीं. अहेड ऑफ हिम मतलब उसके आगे. अहेड होता है कि आगे. ही टर्न टू लुक ऑन द आइदर साइड. वो दूसरी तरफ मुड़ा देखने के लिए. दे वर नॉट देयर. वो वहाँ पर भी नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड. उसने पीछे की तरफ देखा. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. और वहाँ पर भी उनका कोई साइन नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट. थ्रॉट मतलब सूखा. थ्रॉट मतलब गला और ड्राई मतलब सूखा. उसका जो गला है वो सूख चुका था. उससे उसकी एक डीप क्राई मतलब बहुत ही गहरी उसकी जो क्राई थी, चीख थी, वो निकली. वो रोने लग गया. एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी. और अचानक से जर्क जर्क होता है एक तरह से झटका. और उसकी बॉडी में एक शरीर में एक झटका आया. एंड ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. और वो जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर, वहाँ से क्या किया, रेन मतलब दौड़ उठा. क्राइंग इन रियल फियर. बहुत जोर से बहुत ही तेज़ वो डरा हुआ था. और वो फियर मतलब डरना और क्राइंग मतलब चिल्लाना. वो रो रहा था, चिल्ला रहा था. मदर फादर मम्मी पापा. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़. जो आंसू थे उसकी आंखों से नीचे गिरने लगे. हॉट एंड फियर्स. बहुत ही तेज़ थे और बहुत ही उग्र थे, बहुत तेज़. His flushed face, उसका चेहरा जो था वो लाल हो चुका था. was convulsed with fear. और वो जिसका जो चेहरा था वो पूरी तरह से जो डर के मारे लाल हो चुका था. convulsed होता है मरोड़ना. panic stricken मतलब डरा हुआ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ. he ran to one side first. वो एक पहले एक तरफ दौड़ा, then to other side, फिर दूसरी तरफ दौड़ा. हीधर एंड थीधर. हीधर थीधर होता है यहाँ वहाँ, इधर उधर. इन ऑल डायरेक्शन, और सभी दिशाओं में वो घूम चुका था. नोइंग नॉट वेयर टू गो. ये नहीं पता था उसको कि कहाँ पर जाना है. मदर फादर मम्मी पापा. ही वेल्ड. वो चिल्ला रहा था बहुत जोर से. मम्मी पापा बस. वेल्ड मतलब रोना, बहुत बहुत ऊँची आवाज़ में रोना. हिज येलो टर्बन केम यूनाइटेड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी. उसकी येलो टर्बन मतलब जो येलो कलर की, जो पीले रंग की उसने टर्बन, टर्बन होता है जो पगड़ी होता है वो पहनी हुई थी. वो केम यूनाइटेड मतलब जो बंधी हुई थी वो वहाँ से उतर गई. एंड हिज क्लोथ्स और उसके कपड़े जो थे बिकेम मडी. मडी मतलब गंदे हो जाने, मिट्टी से गंदे हो जाना, गंदे हो चुके थे. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल. वो बहुत ज़्यादा डर चुका था और बहुत ज़्यादा घबरा गया था. वो अब कहाँ जाना है कुछ नहीं पता था उसको. और वो क्या किया, कुछ टाइम तक दौड़कर ही स्टूड डिफिटेड. डिफिटेड मतलब हार मान लेना. और हार मान के वो एक जगह पे खड़ा हो गया. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स. उसकी जो क्राइज थी, उसकी जो रोना था वो सप्रेस्ड, वो बदल गया. किस में बदल गया, इनटू सॉब्स. सॉब्स मतलब सुबकियों में बदल गया. एट लिटल डिस्टेंस कुछ ही दूरी पर ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी. जो वहाँ जहाँ पे ग्रीन ग्रास, जहाँ पे हरी घास थी वो देख सकता था उसको. थ्रो हिज फिल्मी आइज. अपनी जो फिल्मी आइज मतलब वो जो अपनी चीज़ें उसके आइज़ को हमेशा अट्रैक्टिव चीज़ें दिखती हैं उसको, तो उसके लिए आए यहाँ पे फिल्मी आइज. मैन एंड वुमेन टॉकिंग. जो आदमी और औरतें थी वो बातें कर रहे थे. ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स. वो देखने की कोशिश कर रहा था जो ब्राइट मतलब चमकीले येलो कलर के कपड़े जो पहने हुए थे उसमें से वो देखने की कोशिश कर रहा था. बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर. लेकिन उसके फादर का वहाँ पे कोई भी साइन नहीं था, उसके मदर का वहाँ पे कोई भी साइन नहीं था.
उन लोगों के बीच में हु सीम्ड टू लाफ एंड जस्ट एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो सिर्फ और सिर्फ लाफ कर रहे थे, मतलब हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, और उनका मतलब उनकी ज़िंदगी जो थी उसमें सिर्फ और सिर्फ बातें करना और हंसना ही था। ही रेन क्विकली अगैन, वो फिर से दौड़ने लग गया जल्दी जल्दी, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम्स टू बी क्राउडिंग। श्राइन मतलब एक तीर्थ स्थल, जहाँ पे कोई मंदिर होगा शायद आसपास, तो वहाँ पे वो दौड़ने लग गया, और जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउडिंग मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी लोगों की, एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस, हर छोटे छोटे कोने में, हर छोटे छोटे इंच में है वॉज कंजस्टेड विद मैन, कंजस्टेड मतलब भरा हुआ भीड़ भाड़ से। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लाइक, लेकिन वो लोगों के टांगों के बीच में से, पैरों के बीच में से निकलता हुआ अपना स्पेस ढूंढ के, अपनी जगह ढूंढ के जा रहा था। हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग मदर फादर, उसकी जो लिटिल शॉप, उसकी जो छोटी छोटी सुबकियाँ थी, वो डिले, लिंगरे होता है डिले, ठीक है, वो देर देर तक आ रही थी, और वो चिल्ला रहा था मदर फादर मम्मी पापा, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार, टेम्पल होता है मंदिर के, मंदिर के प्रवेश द्वार पर। हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो बहुत ज़्यादा थी। मैन जॉस्टल ईच अदर, जो मैन जो थे, इंसान जो थे, वो जॉस्टल, जॉस्टल होते धक्का मुक्का मारना, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। हैवी मैन, भारी भारी आदमी थे, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, जिनकी आँखें चमकी हुई थी, और वो ऐसे मर्डरस मतलब सेवेज हिस तरह के दिख रहे थे। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और उनके हैफ्टी मतलब भारी, जो शोल्डर से कंधे थे बहुत भारी थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, जो बेचारा बच्चा था वो कोशिश कर रहा था कि उनके पैरों के बीच से अपना रास्ता निकालने का। नॉकड टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट, और उसको नॉक, फ्रो होता है से, और नॉक मतलब उसको धक्का लग रहा था कि उनकी जो हैफ्टी भारी भारी जो थ्रस्ट मतलब धक्के वाले रास्तों जो था वो धक्के खा रहा था वहाँ पर, एक से दस कह सकते हैं। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, ट्रैम्पल होता है कुचल जाना, ठीक है, कुचला जाना, ठोकर मार देना, अंडर फुट उनके पैरों तले, ऐसा लग रहा था कि वो उनके पैरों के बीच से कुचला जा सकेगा। बट ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, लेकिन वो श्रिक, श्रिक होते चिल्लाना, वो अपनी जितना तेज, हाइस्ट पिच मतलब जितना तेज वो चिल्ला सकता था अपनी आवाज़ में, उतना तेज वो चिल्ला रहा था मम्मी पापा। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग क्राउड मतलब बहुत तेज़ी से चढ़ना, बहुत जो तेज़ी से वो भीड़ जा रही थी आदमियों की, उसमें एक मैन जो था, एक आदमी था, हर्ड हिज क्राई, उसने उसकी रोने की आवाज़ सुनी, स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और उसने बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्राउड के बीच में से मतलब रुकना और खुद को, खुद के लिए वे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसने बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही डिफ़िकल्टी से अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उस बच्चे को ना गोदी में उठाया, अपनी गोदी में उठाया ऊपर। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आए, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो, द मैन आस्ट एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस, जैसे ही स्टीयर्ड, स्टीयर होता है मोड़ना, ठीक है, और मैस मतलब ढेर, जो बहुत ही मैस यहाँ पे उन लोगों के लिए आया, क्राउड के लिए आया, ठीक है, जो जो बहुत ज़्यादा भीड़ थी उसमें से अपने आप को मोड़, एक तरफ रास्ते से मोड़ते हुए उसने पूछा कि बच्चे तुम क्यों रो रहे हो, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ, अब जो बच्चा था वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ रोने लग गया। एंड ओनली क्राइड, और सिर्फ वो सिर्फ रो रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, जो मैन था, जो इंसान था, उसने सूद करने की कोशिश की, मतलब शांत करने की कोशिश की उस बच्चे को, बाई टॉकिंग हिम, उससे बात करके, बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो उसको राउंड अबाउट मतलब जो झूला था, गोल झूला घुमावदार, उसके पास लेके गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर सवारी करना चाहते हो, ही जेंटली आस्क्ड, उसने बहुत ही विनम्रता से पूछा। एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुँचा, उसको मावदार झूले के पास पहुँचा, द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इंटू अ थाउजेंड श्रिल, जो बच्चे का यहाँ पे थ्रॉट जो गला है, मतलब उसने ना मतलब हजार से भी ज़्यादा तेज चीखी निकाली होंगी, और सौ और सुब क्या ले रहा था, यानी शाउटेड और चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर एंड वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी और मेरे पापा चाहिए। द मैन हीडिड टूवर्ड्स द प्लेस, जो आदमी है वो हीडिड टूवर्ड, हीडिड टूवर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ा, हेडिड टूवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट
टू द स्वेइंग कोबरा. स्वेइंग कोबरा मतलब प्रभावशील, ठीक है, प्रभावकारी. जो वह कोबरा था जो उसकी तरफ अभी भी जो स्नेक चार्मर है, जो सपेरा है, वो बीन बजा रहा था वहाँ पे. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड. बच्चे कितनी प्यारी ये म्यूजिक है, संगीत है, इसको सुनो. ही प्लेड, उसने रिक्वेस्ट की, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर. लेकिन जो बच्चा है उसने अपने कान जो थे बंद कर लिए विद हिज फिंगर, अपनी उंगलियों से. एंड शाउटेड हिज डबल पिज्ड स्ट्रेन, और उसने बहुत जोर से चिल्लाया. डबल पिज्ड स्ट्रेन का मतलब होता है पूरा जोर लगाकर तेज आवाज करना, ठीक है. वो चिल्लाया, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, मुझे मेरे मम्मी और पापा चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स. अब जो आदमी है वो उसको बलून के पास, जो गुब्बारे थे उनके पास ले गया. थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड. डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट तो ध्यान भंग करना, उसका ध्यान हटा देना. उसने ये सोचा कि जो ब्राइट कलर, जो चमकीले कलर हैं बहुत ही तेज, वो बच्चे का जो माइंड है, बच्चे का जो ध्यान है, उसको चाइल्ड अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, उसको जो है क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे थोड़ा, उसका ध्यान हटा देंगे रोने से, और थोड़ा ब्राइट कलर उसको अट्रैक्ट करेंगे. एंड क्वाइटन हिम, क्वाइटन मतलब उसको शांत कर देंगे. वी डू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून. क्या तुम्हें एक रेनबो, मतलब रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो तुम्हें एक रेनबो कलर का बलून चाहिए क्या, गुब्बारा चाहिए. ही परस्यूसली आस्ट. परस्यूसली होते बहुत ही इंड्यूसिव वे से, मतलब बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से उसने पूछा. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट शॉक्ड. अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने अपनी आँखें जो थी वहाँ से, अपना फेस जो है वो वहाँ से हटा के दूसरी तरफ मोड़ के, और क्या करने लगे, जस्ट सोब्ड, सिर्फ सुब क्या ले रहा था. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. जो आदमी है वो अभी भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से मैं इस बच्चे को खुश कर दूँ, और वो रोना बंद कर दे. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट. तो वो उसको लेकर आया, कहाँ पर लेकर आया, गेट पर लेकर आया, प्रवेश द्वार था वहाँ पर लेकर आया, जहाँ पर जो फूल बेचने वाले बैठे हुए थे. लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड. देखो क्या तुम इनको, जो ये फूल हैं यहाँ पे, फूलों की माला है, क्या तुम इनको सूंघ सकते हो, कितनी अच्छी खुशबू इनकी. वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक. क्या तुम्हें एक माला चाहिए अपने गले में लपेटने के लिए, अपनी गर्दन में रखने के लिए. तो वो उससे पूछता है. द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटायर्ड हिज सोप्स. अब जो बच्चा है वो, उसने क्या किया, अपनी जो नोज है, अपने जो नाक है, उसको बंद कर दिया, उसको ढक लिया, ठीक है. एंड रिट्राइड, रिट्राइड होता है मतलब फिर से दोहराना, हिज सॉब्स. और अब उसकी जो सुबकियाँ थी वो अभी भी कंटिन्यू चल रही थी. आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, वो कह रहा है मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट. ये सोचकर, ह्यूमर मतलब खुश कर देना, ठीक है, और डिसकॉन्सोलेट होता है निराशपूर्ण, ठीक है, बाई गिफ्ट ऑफ स्वीट. मतलब ये सोच कर वो इंसान जो है वो ये सोच रहा था कि जो किस क्या खुश कर देगा उसको, स्वीट मतलब मिठाइयाँ जो है वो उसको खुश कर देंगी, ये सोचकर. और उसकी जो निराशा है, उस बच्चे की जो निराशा है, वो हर्ट डिसकॉन्सोलेट मतलब जो हर्ट ब्रोकन हो चुका है, क्योंकि उसके पेरेंट्स गुम हो चुके हैं. तो उसकी निराशा दूर करने के लिए और उसको खुश करने के लिए जो आदमी है वो उसको कहाँ लेके गया, उसको स्वीट्स मिठाइयों की शॉप के पास लेके गया. द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. जो आदमी है वो उसको स्वीट्स और मिठाई की दुकान के पास लेके गया. वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई बच्चे तुम्हें चाहिए, ही आज उसने पूछा. द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट. जो बच्चा है उसने अपना चेहरा जो था वो स्वीट शॉप मिठाई की दुकान से हटा लिया. एंड ओनली सॉफ्ट, और सिर्फ सुबकियाँ ले रहा था, रो रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. तो पहले स्टोरी में क्या था, जब उस बच्चे को सारी चीज़ें चाहिए थी और उसको ये सारी चीज़ें उसके मम्मी पापा नहीं दे रहे थे, तो वो उस अपना मतलब निराश हो रहा था उन सब चीज़ों को लेकर. बट एट द एंड ऑफ स्टोरी क्या होता है, जब वैसे ही उसको सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स द्वारा, मतलब जो आदमी है, जब उसके पेरेंट्स गुम हो जाते हैं, तो जब वो आदमी उसको सारी चीज़ें दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं. तो हमारे पेरेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है हर बच्चे की लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारे पेरेंट्स की, बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होता है, क्योंकि हम जो कुछ भी होते हैं वो अपने पेरेंट्स की वजह से ही होते हैं. सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और ये स्टोरी रिटन बाय है मुल्कराज आनंद. अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.